कोरोना भाइरस को नष्ट करिपारुथिबा वैक्सीन रो संधान जारी रहिछि। अनेक वैक्सीन ट्रायल रो शेष पर्याय रे पहुंचि सारिछि। आईसीएमआर भारत वायडेकर देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन रो फेज 1 और फेज 2 रो ट्रायल मध्य आरंभ हो सारिछि। तेबे सूचना रहिछि कोवैक्सीन रो प्रथम डोज परे वॉलंटियर्स मानक उपरे सेभलि कोनोसी साइड इफेक्ट देखिबाकु मिलिनि। ग्लोबल लेवलरे देखिबाकु गले चाइना कंपनी साइनोफार्म रो वैक्सीन ट्रायल रो तृतीय स्टेज रे पहुंचि सारिछि। एहारे सह मलेशिया रे मणिषंक उपरे टेस्ट होइतिबा कोरोना वैक्सीन रो प्रारंभिक फलाफल बेस भल रहिछि। वैक्सीन रो समस्त वॉलंटियर्स को मध्यरे इम्यून रिस्पोंस ट्रिगर करिबारे सफल होइछि ओ एहारो कोनोसी पार्श्व प्रतिक्रिया मध्य देखिबाकु मिलि नाही। किंतु विश्व सारा ट्रायल करा जैतिबा अनेक वैक्सीन रे किछि किछि साइड इफेक्ट देखिबाकु मिलुछि। तबे मलेशिया स्वास्थ्य मंत्रालय ट्वीट करी एने सूचना देछन्ती। अनेपटे अमेरिकार कंपनी मर्नार वैक्सीन मध्य सफल होइतबा बेले एथिरे किंतु किछि मात्रा रे साइड इफेक्ट देखिबाकु मिलिछि। हालिया होइजिबा मुंडो बिंधा जोर आंठु दरज इत्यादि साइड इफेक्ट देखिबाकु मिलिछि। सेपरि रूस रो एक कंपनी ब्रिटिश वैक्सीन प्रस्तुत पई प्रस्ताव देछि जहां मस्को रो आर फार्म रे प्रस्तुत हेबो। वैज्ञानिक क्लस्टर विश्व समस्त सरकार को अपील करछन्ति जे अनेक वर्ष पई औषध ओ वैक्सीन स प्रस्तुत हुंतु कारण से आकलन करछन्ति जे कोरोना वायरस रो सेकंड वेव निश्चय आसीबो औ ताहा अधिक गंभीर होइबो। क्लास कहिछन्ति विश्वव्यापी अनेक लोक विपदरे लॉकडाउन शटडाउन भली पदक्षेप न निया जाइथिले स्थिति आहुरी गंभीर होइथांता। एहारि सह से कहिछन्ति जे कोरोनार थर्ड वेव सुधा 80% लोकंक निकटरे एंटीबॉडीज क्रिएट होइ सारिथिबो। तेबे आउ एक प्रश्न मनक आसीबो जे भारतीय वैक्सीन किभली प्रस्तुत होइथिबो ताहाकु नै भी उत्सुकता बढ़िबा स्वाभाविक। आईसीएमआर ओ वारो बायोटेक रो वैक्सीन एक इनएक्टिव वैक्सीन कोरोना वैक्सीन रो अनेक पार्टिकल्स गुड़ी को मारि दिया जैथिला फळरे ताहा इन्फेक्टेड होइ परि नथिला औ सेही पार्टिकल्स गुड़ी को नै निर्मित होइ छि कोवैक्सीन। इहारो डोज साहाज्यरे शरीर रे वायरस विरोध रे एंटीबॉडीज निर्मित हुए। जाइडस कैडिलर जाइकोव प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन रे एंटीजन मध्य कोड करा दिछि। एहारो डीएनए सीक्वेंस वायरस सह मैच कले शरीर रे एंटीबॉडीज सृष्टि हेबारे लागे। तबे इति मध्य रे सूचना रहिछि जे भारत रे कोरोना वैक्सीन सह जड़ित समस्त रिसर्च सठिक भाबे चलिछि आउ एथिरे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओ अन्य 16टी अनुष्ठान सहयोग करुछि। एहारि सह यूएई रे सेठाकार देसी कोरोना वैक्सीन रो फेज 3 ट्रायल आरंभ हो सारिछि। प्रथम पर्याय रे 15,000 प्रतिनिधि को डोज दिया जाइथिला आउ 28 दिन परे द्वितीय पर्याय रे वैक्सीन डोज दिया जाइथिला। सेहिपरि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छड़ा लंडन एनफोरियल कॉलेज रो वैक्सीन मध्य द्वितीय पर्याय ट्रायल रे सेठाकार वैज्ञानिक को दाबी ए वैक्सीन भल प्रभाव देखाउछि। ए द्वितीय पर्याय ट्रायल रे 18-75 वर्ष वयस रे 105 जण लोकन को डोज दिया जिवो। एहारे सह यूरोपियन यूनियन ओ सनोफी मध्य रे कोरोना वैक्सीन को नै चुक्ति चलिछि। सूचना रहिछि कि 2021 जुलाई रे 300 मिलियन डोज पई कथाबार्ता चलिछि ईयू ओ सनोफी मध्य रे। ईयू सनोफी व्यतीत मर्ना जॉनसन एंड जॉनसन कोरोवैक बायो एनटेक भली कंपनी थारू एडवांस रे वैक्सीन किनबा को नै कथा होइछि। सेई परे जाइडस कैडिला कंपनी मार्च पर्यंत निजर वैक्सीन ट्रायल पूरा करितबो बोली दाबी करछि। दुनियार सबुठारु बड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट मध्य दाबी करछि जे से 3 मास से कोटी कोटी डोज प्रस्तुत करितबो। एहा स डब्ल्यूएचओ अनुजई समग्र विश्व रे 130 रो अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स अछन्ति आउ सेमानको मध्यरु 20 रु अधिक निज निजर क्लिनिकल ट्रायल रो विभिन्न स्टेज रे अछन्ति जहाकि परिस्थितिर सकारात्मक दिगको सूचाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट दर्गशोटे।